देखो बेटा, मैं जानती हूँ तुम्हारे पास वक्त बिल्कुल नहीं होता। सुबह ऑफिस जाते हो, फिर देर से घर आते हो, और घर आते हो तो फिर तुम ऑफिस का काम साथ लेकर आ जाते हो। माँ के लिए तो तुम्हारे पास वक्त ही नहीं है कि मैं तुमसे बात करूं। काफी दिनों से तुमसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ। मामा, कैसी बातें कर रही हैं आप? हुक्म करें, मैं सब छोड़ के आपके पास बैठ जाता हूँ। अब आपसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए कोई है? तुम्हारे मामू और मुमानी आए थे। साहिर है, आप में और मामू में मोहब्बत इतनी है, जब वो चक्कर नहीं लगा सकते तो आप चली जाती हैं। हाँ, मेरे दोनों भाई मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, फिरोज और शहरोज। उन्होंने मुझे बहन का ही नहीं बल्कि माँ का दर्जा दिया। अल्लाह मगफरत करे शहरोज की, बहुत जल्दी और अचानक चला गया। लेकिन राफे, मैं चाहती हूँ कि मेरे भाइयों से मेरा रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत हो जाए। डर लगता है किसी अनजान लड़की को बहू बना कर लाऊंगी तो पता नहीं कैसी होगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अपनी भतीजी को तुम्हारी दुल्हन बनाओ। हाँ, अगर तुम्हें कोई और पसंद है तो वो तो मुझे बता सकते हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो आपकी पसंद वही मेरी पसंद। जीतर, अल्लाह तुम जैसी सादतमंद औलाद सारे वालदैन को दे। तुमने मेरा दिल खुश कर। तो बस फिर फिरोज, रू जब मेरी अमानत है, जब मेरा दिल चाहेगा मैं राफे की दुल्हन बना के धूमधाम से उसे अपने घर ले जाऊं। भाई बहुत बहुत मुबारक हो परवीन और फिरोज तुम लोगों को, और बीजान आपको भी बहुत मुबारक। खैर मुबारक। इस मौके पे मिठाई तो बनती है ना फिरोज? हाँ, मैं मिठाई लेके आता हूँ ना। इसकी जरूरत नहीं है, उरूज लेके आ रही होगी चाय के साथ। वैसे इस रिश्ते से सबसे ज्यादा खुश मुझे फिरोज ही लग रहे हैं। जाहिर है, मेरी बेटी अपनों में जा रही है तो मेरे लिए इससे खुशी की बात क्या होगी। भाई बिल्कुल ऐसा ही है। आप तो कह रही थी राफी भाई आपको पसंद करते हैं, ये बीजन उरूज का रिश्ता लेके क्यों आ गई है? मुझे क्या पता, मुझे लग रहा है कहीं राफी भाई आपके साथ मजाक तो नहीं कर रहे। हेलो, कैसा लगा तुम्हें सरप्राइज? बहुत अच्छा लगा तुम्हारा सरप्राइज, बहुत पसंद आया मुझे। मैं जानता था तुम जरूर खुश हुई होगी। मुस्कान जरा बाहर जाना। भाई की तो खैर, बहुत खुशी हुई। अब देखो ना, तुम्हारी अरूज से शादी हो जाएगी तो फिर मैं तुम्हें भैया कहकर बुलाऊंगी, और तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे मुझे मेहरू फूफो कहकर बुलाएंगे। ये क्या फालतू बातें कर रही हो तुम मेहरू? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। तुम्हें अगर अरूज से शादी करनी थी, उसके लिए रिश्ता भेजना था, तो इस तरह से मेरा और मेरी माँ का मजाक बनाने की क्या जरूरत थी? अरूज के लिए रिश्ता? कौन लाया अरूज के लिए रिश्ता? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं, बीजान खुद रिश्ता लेकर आई है अरूज के लिए। क्या, ये कैसे हो सकता है? अच्छा समझ आई यार, मामा ये आपने क्या कर दिया। खैर जो भी किया तुमने बहुत अच्छा किया, मुझसे अब तुम कोई उम्मीद मत रखना। तुमसे बात करना तो दूर, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मेहरू मेरी बात तो सुनो। मामा आप ये क्या कर आ गई हैं? आप गलत रिश्ता तय कर आ गई हैं। क्या हो गया तुम्हें राफे, तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम्हीं ने तो मुझे वहाँ भेजा था रिश्ते की बात करने के लिए, और वहाँ तो सब लोग इतने खुश थे, अरूज के चेहरे का रंग ही बदल गया था, इतनी प्यारी लग रही थी वो कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। मामा आपने सब गलत कर दिया, मैं अरूज को नहीं मेहरू को पसंद करता हूँ। क्या, मगर मैंने जब तुमसे बात की थी तो तुमने मेहरून का नाम तो नहीं लिया था, तो मैं यही समझी कि अरूज से तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्ती है तो अरूज ही होगी उसी का रिश्ता। मेरी दोस्ती तो मेहरू से भी है,
मैं तो ये समझा ना कि आप मुझसे मेहरू के बारे में पूछ रही हैं। मैं मेहरुनसा की बात कर रहा था, कम से कम आप मुझसे क्लियर तो कर लेती। क्या क्लियर कर लेती मैं राफी, अगर मुझे कोई कंफ्यूजन होती तो मैं क्लियर करती ना बेटा। खैर, जो होना था वो हो गया, लेकिन आप इस मसले को सॉल्व करेंगी, सबकी गलत फहमी को जाके दूर करें प्लीज। तुम ये क्या कह रहे हो, तुम्हें अंदाजा है ये कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। मेरा भाई फिरोज क्या सोचेगा और परवीन, परवीन पर क्या गुजरेगी, ये क्या क्या हो गया मुझसे। मामा प्लीज, मैं कुछ नहीं जानता, ये मसला आपके लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको इस मसले को हल करना है। आपकी ये गलती की सजा में अरू से शादी करके सारी जिंदगी नहीं भुगत सकता। देखिए इक्तदार जुमेरात और जुम्मा रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।